मायसेल्फ डॉक्टर रवि रंजन, मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये है आज बच्चे का जो फीडिंग होता है, बच्चे को खिलाने पिलाने की जो आजकल परंपरा चल रही है, बहुत इसमें देख रहे हैं काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं खाते नहीं हैं, उसको खाने की भूख कैसे लगे, वो बच्चा हमारा नहीं खाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा को खिलाने के लिए दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला है फैमिली जो है, उसमें जब खाना खाते हैं तो साथ में सब लोग खाएं, बच्चे को साथ में बैठाएं। अलग से बच्चे के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के लिए कुछ अलग से खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे के लिए स्पेशल कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादातर जो घर में खाना बनता है बच्चा वो खा सकता है बिल्कुल, और सब लोग साथ में खाएं। एक साल से ऊपर का बच्चा घर का जो भी खाना बनता है वो सब वो खा सकता है। हाँ, ये ध्यान देना है कि बच्चे के साथ असिस्ट करने के लिए साथ में कोई देखने के लिए सुपरविज़न में होना चाहिए, और सब लोग जब खाते हैं तो साथ में बच्चे के साथ साथ में खाएं। और स्ट्रगल का, जैसे बच्चे को डांट रहे हैं खा लो, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चा खाना नहीं चाहता है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि खा लो, ऐसा आजकल हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, जब भूख लगे तो खाए, ये नेचुरल चीज़ है। जैसे आप देखिएगा, जानवर का भी जो बच्चा है उसका तो IQ बहुत कम है, आदमी का IQ सबसे ज़्यादा है। जानवर का बच्चा देखिएगा खुद से खोज खोज के खाना खा ले रहा है। तो ये एक जो भूख है, हंगर है, ये एक नेचुरल चीज़ है, हंगर को आने दीजिए। हंगर को आजकल भुलवा दिया गया है, बच्चे लोग जो हैं हंगर को भूल चुके हैं, उसको भुलवा दिया गया है। गलत गार्जियन की गलत, उसके उसको खिलाने के जो गलत तरीके हैं, फोर्स्ड फीडिंग जो है उसके चलते ऐसा हो रहा है। इसलिए कॉमन सेंस से काम करें, आप बहुत ज़्यादा सोचें मत कि ये नहीं खाता है इसको खिला दें, ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को, ग्रोइंग बच्चे को खाना ज़रूर चाहिए, उसको खाने की ज़रूरत है, उसको कैलोरी की ज़रूरत है, ग्रो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि उसको आप ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। तो उसका जो फैमिली के साथ खिलाना, सब लोग साथ में बैठ के खाएं। दूसरी बात कि स्ट्रगल का माहौल न रहे, एक खुशनुमा माहौल रहे। जब खाना खा रहा है तब उस समय खुशनुमा माहौल रहे, कभी भी उसमें डांट फटकार कुछ नहीं। बच्चा जब ना बोल दे नहीं खाना चाहता ऐसा लगे, तो उसको इस चीज़ को रिस्पेक्ट करें कि हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अलग कर दिया खाना, उसको रख दिए। खाना प्रोवाइड ज़रूर करें लेकिन उसको फोर्स ना करें, ठीक है। और प्लस में वो और सब चीज़ जानते ही हैं आप लोग, सभी चीज़ जानते हैं कि हाँ इसको ये नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, जो फास्ट फूड वगैरह नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी ठीक है खा लेता है कोई बात नहीं, लेकिन फास्ट फूड अवॉइड करें। आजकल एक नया गलत आदत लोगों में बहुत फैल गया है, वो है मोबाइल या फिर कोई TV वगैरह देख करके खाने का आदत। बच्चों को जल्दी खा ले, अच्छे से खा ले, ये सोच करके गार्जियन लोगों ने आदत लगाया है कि मोबाइल देख लो, गेम्स देख लो और TV देख लो। उस समय क्या होता है, सपोज कीजिए कि मोबाइल रखा हुआ है किसी एक प्लेस पे, है ना, नज़दीक में, खाना वो खा रहा है, खाना देख नहीं रहा है और मोबाइल इधर देख रहा है, उसकी ओरिएंटेशन कहीं और है, देख कहीं और रहा है, और खाना मुँह में जा रहा है, आधा खाना गिर रहा है, आधा खाना वो ठीक से खा नहीं पा रहा है, वो समझ भी नहीं पा रहा है क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, कैसे खाए। तो मोबाइल और TV के साथ देखते हुए खाना, इससे कोऑर्डिनेशन है, जो खाने में जो कोऑर्डिनेशन से जिस तरह से खाया जाता है नेचुरल वे में, वो पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाती है। इसलिए इस आदत को अवॉइड करें। फैमिली में लोग इस चीज़ को ये ध्यान दें कि ये सब अवॉइड हो या कम हो, जहाँ तक कम हो सके ये सब, तो बच्चा भी सीखे कि हाँ कोई मोबाइल वगैरह TV वगैरह ना देख रहा है। और फैमिली मैन 2 सीरीज है एक, उसमें भी ये चीज़ दिखाया गया है इस तरह का, कि लोग खाते समय मोबाइल सब उन्हें एक जगह रख दिया अलग, फिर खाना खा रहे हैं। और दूसरी बात कि बच्चों को फोर्स, फैमिली रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फैमिली रोल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि फैमिली आप किस तरह का अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है, पहला है डोंट फोर्स, ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती ना खिलाएं, उसे भूख लगने दिया जाए, भूख लगने के बाद तब उसे खाना दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए ज़रूर। और दूसरा है जब खाएं तो सभी फैमिली मेम्बर जहाँ तक हो सके साथ में खाएं, तो उससे भी वो बच्चा ज़्यादा सीखता है।
प्लस नो स्ट्रगल, उस समय संघर्ष नहीं होना चाहिए कि नहीं खाते हो मारेंगे, खाओ जल्दी खा लो, खाओगे तो ये इनाम देंगे, इनाम देने की बात भी नहीं करनी चाहिए, खाने के साथ इनाम का जुड़ना जरूरी वो अच्छा नहीं है, ये भी बात है। ठीक है, मैं समाप्त करता हूँ।